हाय फ्रेंड्स क्रिएटी सरता चैनल में सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में आप सभी फ्रेंड्स गुलाब वाली तोरण सीखेंगे तो देखिए ये हमने गुलाब बनाए हैं बहुत ही सुंदर है देखिए येलो से और रेड से या पे देखिए ये वाइट से हमने बनाए हैं तो बहुत सुंदर सुंदर ये गुलाब बने हैं और सिंपल भी हैं बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार हो जाते हैं तो इसमें देखिए रेड वाला गुलाब हमने बनाया इसमें देखिए पत्ती भी ऐड किए हैं फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें इसी तरह का वीडियो हमेशा मैं आप सबके लिए लाती रहूँगी तो चलिए आगे इसे बनाते हैं तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे गुलाब बनाएंगे इसके बाद देखिए हमने इसमें ये पत्ती ऐड की है और चैन और आगे देखिए यहाँ पे हमने पब बनाए हैं और यहाँ पे ये गुलाब आगे चलिए इसे बनाते हैं तो देखिए क्रशियाई मेरा टू एम एम है और ये उलन जो हमने लिया है ये टू प्लाई का है और सबसे पहले तो हम चैन बनाना स्टार्ट करेंगे ये देखिए हमने एक चैन ये हमारा बन गया है अब आगे देखिए इसी तरीके से हम और इसमें चैन बनाएंगे देखिए दो तीन चार पाँच इसी तरह से हम इसको काउंट करते हुए इसमें फिफ्टी सेवन चैन बनाएंगे तो देखिए इसमें हमने फिफ्टी सेवन चैन बना लिया है अब इसके आगे देखिए यहाँ पे ऐसे धागा में डाल के देखिए एक राउंड इसे में धागा लपेट लेना है और यहाँ पे देखिए इसके आगे जो चैन है इसी में से धागे को निकालेंगे और ये जो तीन फंदा है इसको देखिए हम यहाँ पे एक फंदा बना लेंगे फिर इस तरीके से धागे को लपेटना है फिर आगे जो नेक्स्ट वाला चैन है उसमें से धागे को निकाल के देखिए ये तीन फंदा का हम एक फंदा बनाएंगे ये देखिए फिर ऐसे कुरसिया में लपेट के फिर आगे चैन में देखिए यहाँ से धागे को निकाल के और फिर हम इसको बंद कर लेंगे ये तीन फंदा का एक फंदा कर लेना है ये हमारा हाफ डबल कर्सिया है ये देखिए पहले से धागे को कुरसिया में लेना है और फिर चैन के अंदर से धागे को निकाल के ये तीन फंदा का हमें एक फंदा बना लेना है तो ये लाइन इसी तरीके से हम इसको बना के कम्प्लीट करेंगे ये हाफ डबल क्रोशिया है हर चैन के अंदर से हम हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरीके से पूरा बना लेंगे तो देखिए इसको हमने पूरा बना लिया है अब इसके आगे देखिए पहले तो हम चैन बनाएंगे देखिए एक चैन दो तीन चार पाँच पाँच चैन बना के इसको हमें पलट लेना है देखिए इस तरीके से और यहाँ से देखिए हम काउंट करेंगे तो एक दो तो, तीन ये चार चौथे वाले देखिए फंदे में इसको हमें यहाँ पे ला के इस तरीके से ये बंद कर देना है फिर आगे देखिए चेन बनाएंगे तो एक दो तो, तीन चार ये पाँच पाँच चैन बना के फिर यहाँ देखिए फंदे में एक दो तीन ये चौथे वाले फंदे में इसको हमें यहाँ पे लग के बंद कर देना है इस तरीके से फिर आगे देखिए एक चैन दो तीन चार पाँच ये देखिए नीचे से काउंट कर लेना है यहाँ से एक दो तीन चार यहाँ चौथे वाले फंदे में इसको हमें बंद कर देना है तो आगे इसी तरीके से लाइन हम पूरा कंप्लीट करेंगे इसको बना के तो देखिए इसको हमने बना लिया है ये लास्ट का यहाँ पे हमने पांच चैन ऊपर बना लिया है और यहाँ से देखिए एक दो तीन चार चौथे वाले फंदे में इसको हमें बंद कर देना है यहाँ पे देखिए इसको बंद कर ले रहे हैं अब इसको पलट लेना है इस तरीके से देखिए एक चैन करके यहाँ पे देखिए ये डबल क्रोशिया हम बना रहे हैं ये देखिए एक डबल क्रोशिया हमने बनाया है इसमें देखिए तीन डबल क्रोशिया चार और ये देखिए पांच डबल क्रोशिया इसमें हमने बनाया है अब इसके आगे एक चैन करके इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया ये बना रहे हैं ये देखिए एक डिजाइन हमारा बन गया है अब इसके आगे जो चैन है फिर इसमें देखिए हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ये देखिए फिर आगे एक चेन करेंगे और फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर तो यहाँ पे देखिए हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है ये देखिए दो डबल क्रोशिया तीन डबल ये देखिए चार पाँच तो देखिए इसमें पाँच बना लिया फिर एक चैन करके यहाँ पे हम सिंगल कुर्सियाँ बनाएंगे ये देखिए ये सिंगल कुर्सी हमने बना लिया है फिर देखिए आगे नेक्स्ट वाले चैन में फिर हम सिंगल कुर्सियाँ बनाएंगे और एक चैन करके फिर हम पांच डबल कुर्सियाँ इसके अंदर बनाएंगे तो हर चैन के अंदर इसी तरीके से बनाते हुए जाना है ये देखिए लास्ट का ये पाँचवा डबल क्रोशिया है अब एक चैन करके इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है तो आगे देखिए इसको हम इसी तरीके से बना लेंगे पूरा तो देखिए इसको हमने पूरा बना लिया है यहाँ पे देखिए अब हम ये धागा नीचे की साइड करेंगे यहाँ पे हमें इसको बंद कर लेना है तो एक चैन पहले बना लेंगे फिर देखिए यहाँ पे लाके धागे को हमें यहाँ पे इसको बंद करके और धागा हमें बड़ी साइज़ का काटना है सिलने के लिए तो चलिए इसे गुलाब बनाते हैं तो पहले देखिए फ्लावर को हमें यहाँ पे ये देखिए हमारा सीधा साइड है और ये उल्टा साइड तो उल्टा साइड से हम गुलाब बनाएंगे तो पहले तो इसी तरीके से हमें लपेटना है देखिए यहाँ पे ये पंखुड़ी को लपेट लेना है बस इस तरीके से देखिए इसको हम लपेटते हुए जाएंगे बहुत ही सिंपल है ये अपने आप गुलाब बन के तैयार हो गया बस इसी तरीके से इसको लपेटते हुए जाएं ये देखिए और ये देखिए गुलाब मेरा कितना सुंदर बना है इसका पंखुड़ी दिख रहा है और इसको देखिए अब हम सुई धागे से सिलेंगे ये देखिए हमारा गुलाब बन तैयार हो गया है बहुत ही सुंदर गुलाब बना है अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे तो चलिए देखिए ये जो हमने ग्रीन कलर से बनाया है अब इसमें देखिए हम आपको बना के आगे बताएंगे तो देखिए हमने ये धागा ग्रीन कलर का ले लिया है यहाँ से देखिए हम पहले तो यहाँ से हम फंदे में से कुर्सिया को डालेंगे और यहाँ से देखिए ग्रीन कलर का धागा निकाल के पहले तो हम धागे को बंद कर लेंगे देखिए यहाँ से अब इसको बंद कर लेना है अब इसके आगे देखिए चैन बनाएंगे तो एक बनाए दो दो चैन बना के अब इसमें देखिए हम इस तरीके से धागा कुर्सिया में लेंगे और यहाँ से देखिए एक फंदा में छोड़ के ये दूसरे वाले फंदे में से यहाँ से देखिए हम धागे को निकाल के और इसको बंद करेंगे और ये धागा देखिए दो धागा हम क्रोशिया में रखे हैं और फिर देखिए यहाँ से क्रोशिया में धागा इस तरीके से लेके और एक फंदा नीचे हमें छोड़ के फिर दूसरे वाले फंदे में से धागे को निकाल लेना है और इसको देखिए बंद करके ये देखिए तीन धागा हमारा क्रोशिया में है साथ में ही इसको रखना है बंद नहीं करना है और यहाँ पे देखिए एक फंदा छोड़ के फिर आगे हम दूसरे वाले फंदे में से धागे को निकाल के और इसको बंद कर ले रहे हैं देखिए ये चार फंदा हो गया हमारा क्रोशिया में अब एक साथ इसको बंद करेंगे ये देखिए इस तरीके से और फिर देखिए आगे हमें धागा क्रोशिया में इस तरीके से लेना है और फिर एक फंदा नीचे का हमें छोड़ के दूसरे वाले में से देखिए यहाँ से फिर धागे को निकाल के और इसको बंद करते हुए जो धागा बचेगा क्रोशिया में रख लेंगे तो यहाँ पे देखिए एक एक छोड़ के ये दूसरे वाले फंदे में से धागे को निकाल लेना है और बंद करके फिर धागा क्रोशिया में रख लेना है तो यहाँ पे देखिए एक फंदा छोड़ के दूसरे वाले फंदे में से हम धागे को निकाल रहे हैं और इसको बंद करेंगे देखिए और जो धागा बचेगा वो क्रोशिया में रखेंगे तो हमने देखिए चार ये धागा रख लिया है अब एक साथ इसको बंद कर देंगे अब इसके आगे देखिए फिर हमें धागा लपेट के और फिर एक फंदा छोड़ के नीचे का और दूसरे आगे वाले फंदे से हम धागे को निकालेंगे और इसको बंद करके जो धागा बचेगा कुर्सिया में रखेंगे तो इसमें भी देखिए हम ऐसे चार बार निकाल के कुर्सिया में धागा रख लेंगे ये देखिए लास्ट का है यहाँ से देखिए यहाँ से हम धागे को निकाल के और इसको बंद कर रहे हैं ये देखिए चार धागा हमारा कुर्सिया में हो गया है अब एक साथ इसको बंद कर देंगे और जहाँ से देखिए हमने स्टार्टिंग में दो चैन बनाया था यहाँ से ये देखिए इसके अंदर से हम यहाँ से धागे को निकाल के इसको सिंगल कुर्सिया से बंद कर देंगे ये देखिए बन गया है अब इसको थोड़ा सा घुमा के और बीच में हम यहाँ से देखिए कुर्सिया को डालना है और हम यहाँ से धागे को निकालेंगे इसके अंदर से ये देखिए और सिंगल कुर्सिया से इसको बंद कर देंगे तो ये देखिए बन गया है बहुत ही सिंपल है देखिए कितने आसानी से बन गया है और ये जो धागा है इसको हम कट कर देंगे अब इसके आगे देखिए हम बनाएंगे और तो सबसे पहले तो हम चैन बनाएंगे यहाँ पे देखिए एक चेन दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह तो पंद्रह ही चेन में बनाना है ये देखिए अब इसके बाद हम ऊपर से काउंट करेंगे यहाँ से देखिए एक दो तीन चार पाँच या छः देखिए यहाँ छठे वाले चैन से मैं यहाँ क्रुशिया को डाल लेना है इस तरीके से और आगे यहाँ से देखिए जो फंदा है इसको इसी के अंदर से हम निकालेंगे चैन के अंदर से देखिए और फिर इसके आगे देखिए एक दो तीन तीन चैन बना के देखिए हम धागे को इस तरीके से क्रुशिया में लपेटेंगे और फिर इस फंदे में ये जो फंदा बना है इसी के अंदर से धागे को भी निकाल लेना है तो जितना बड़ा हमारा चैन है उतना बड़ा हम धागे को निकाल के और इसको बंद कर लेंगे ये देखिए इस तरीके से और जहाँ पे देखिए चैन है यहाँ से इसी के अंदर से फिर हम धागे को निकाल के सिंगल कुर्सिया बनाएंगे देखिए फिर धागा में कुर्सिया लेना है और फिर जो ये फंदा है इसी के अंदर से देखिए हम धागे को खींच लेंगे इस तरीके से और एक साथ बंद कर देंगे और देखिए यहाँ से इसी के किनारे से यहाँ से बगल से हमें धागे को निकाल के और सिंगल क्रोशिया बना लेना है तो देखिए हमने ऐसे दो बार बनाया है इसमें और फिर देखिए हम धागे को खींच के इसे बंद करेंगे और यहाँ पे देखिए इसी के बगल से हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है तो हमने ऐसे तीन बार बनाया धागा खींच के यहाँ पे देखिए फिर हमें धागे को खींच के थोड़ा सा बढ़ाते हुए धागे को हमें खींचना है यहाँ पे देखिए इसको बंद कर लेंगे और यहाँ पे साइड से हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है तो देखिए हमने इसमें चार बार इसको बनाया है अब इसके आगे देखिए चैन बनाएंगे तो एक दो तीन तीन चैन बना के और यहाँ पे देखिए इसको नीचे वाले फंदे में से यहाँ से हम धागे को निकाल के वो बंद करेंगे देखिए जो क्रोशिया में धागा है इसके अंदर से हमें निकाल लेना है इस तरीके से इसको बंद कर लेना है और फिर धागा इसे क्रोशिया में लपेट के फिर देखिए इसी वाले पंदे में से नीचे वाले पंदे में से हम धागे को फिर खींच के और इसको बंद करेंगे और यहाँ पे देखिए साइड से इसके यहाँ से हम धागे को निकाल के और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो जैसे अभी हमने बनाया इसमें भी हम एक साइड में हमने चार बार इस धागे को खींच के बनाया है अब फिर देखिए ये दूसरे साइड से हम चार बार धागा से खींच के बनाएंगे ये देखिए किनारे से हमें एक सिंगल कुछ से बना लेना है यहाँ पे देखिए धागे को खींच के हम इसको बंद कर रहे हैं तो तीन बार ऐसे हमने बनाया इसमें देखिए चार बार ये हमारा बन गया है देखिए ये पत्ती हमारा बन गया है अब इसके आगे देखिए एक चैन दो ये तीन तीन चैन करके फिर इसी फंदे में हमें इसको बंद कर देना है यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये देखिए एक पत्ती हमारा बन गया है तो पत्ती भी बहुत ही सिंपल है बनाना और बहुत ही सुंदर ही लग रहा है आप देख सकते हैं अब इसके आगे देखिए हम दूसरी पत्ती बनाएंगे इसमें तो फिर एक चैन करके फिर दो या तीन तीन चैन करके और फिर देखिए इसी वाले फंदे में से हमें धागे को निकालना है तो चैन के बराबर देखिए मैं पहले तो खींच के धागा इसको बंद कर लेना है और देखिए यहाँ बगल से हम सिंगल क्रोशिया एक बना लेंगे और फिर देखिए धागे को हमें इसी फंदे में से खींच के और इसको बंद कर लेना है और यहाँ बगल से इसके एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है तो जैसे हमने फर्स्ट वाले पत्ती में बनाया बिल्कुल उसी तरीके से हम इसमें बनाएंगे यहाँ पे देखिए बगल से हमें एक सिंगल क्रुशेप बना लेना है अब इसके ऊपर देखिए हम एक चैन दो या तीन तीन चैन करके फिर यहाँ देखिए ये यह नीचे जो फंदा है इनके अंदर से देखिए हम धागे को निकाल के दो फंदा का एक फंदा कर लेंगे और फिर आगे देखिए लपेट के फिर इसी वाले फंदे में से हमें धागे को खींच लेना है और यहाँ पे इनको बंद कर लेंगे एक साथ और यहाँ पे देखिए इसी के बगल से में धागे को निकाल के सिंगल क्रशे बना लेना है तो इसमें भी हम चार बार बनाएंगे इसे ये देखिए लास्ट का है इसको बंद करके और फिर यहाँ से देखिए हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है अब इसके आगे हम तीन चैन करके इसको बंद कर देंगे ये देखिए तीन चैन हमने बना लिया है अब यहाँ पर इसी वाले फंदे में लाके इसको हमें बंद कर देना है देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये देखिए पत्ती हमारा बन गया है अब यहाँ ये जो धागा है देखिए यहाँ बगल से हम इसको ये दोनों पत्ती के बीच से हम धागे को निकाल के देखिए इस तरीके से हमें निकाल लेना है ये भी देखिए यहाँ से और इसको हम ला के यहाँ पर बंद कर देंगे ये देखिए यहाँ से हमें इसको बंद कर देना है तो यहाँ पे देखिए ये दोनों साइड से मेरी पत्ती दिख रही है और बीच में ये चैन हो गया है अब इसके आगे देखिए हम चैन बनाएंगे तो एक चैन हमने बनाया दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस फर्स्ट वाली पत्ती हमने पंद्रह चैन पे बनाया था इसके बाद हम जितना पत्ती बनाएंगे इसके ऊपर वो बीस चैन का ही रहेगा यहाँ से देखिए हमें काउंट करना है एक दो तीन चार पाँच छः देखिए यहाँ छठे वाले चैन में धा कुर्सिया को इस तरीके से डाल के और इस फंदे को यहाँ से देखिए हम निकालेंगे और आगे हम तीन चैन बना के फिर जैसे हमने नीचे का पत्ती बनाया है इसमें भी हम दो पत्ती आगे बनाएंगे ये पत्ती जो हमने बनाया है इसमें भी बना लेंगी तो हमने इसमें देखिए पत्ती बना लिया है इसके ऊपर धागे को हमने कट कर दिया है और यहाँ पे देखिए हम पब बना रहे हैं इसी के फंदे में से देखिए हम धागे को निकाल के पहले तो बंद कर लेंगे धागा यहाँ पे देखिए बंद कर लिए फिर धागे को हमें खींच लेना है और इसी वाले देखिए यहाँ से इसी के फंदे में से फिर हम धागे को देखिए यहाँ पे एक बार धागा कुरुआ में ले लिया है ये देखिए दो बार तीन चार पाँच ये देखिए छः अब इन फंदों को एक साथ बंद कर देंगे अब इसके आगे देखिए यहाँ पे एक चैन और बना के और फिर हम पब बनाएंगे इस तरीके से इस फंदे में से देखिए फिर हम छः बार धागा यहाँ पे निकाल के कुर्सिया में लेंगे ये देखिए छः बार हमने धागा लेके इसको बंद कर दे रहे हैं फिर आगे एक चैन करके और यहाँ पे फिर देखिए हम धागे को खींच के पब बनाएंगे तो छः बार देखिए फिर हम धागा इसके अंदर से निकालेंगे और इन फंदों को एक साथ बंद कर देंगे अब इसके आगे देखिए एक चैन बनाएंगे दो तीन तीन चैन बना के धागा थोड़ा बड़ा साइज का हम काटेंगे नोट लगाने के लिए तो देखिए गुलाब हमारा बनके तैयार हो गया है तो इसमें देखिए हमने गुलाब ए येलो कलर का आठ गुलाब बनाया है और यहाँ पे वाइट कलर का जो है इसमें देखिए हमने चार गुलाब बनाए हैं और ये रेड कलर का जो है इसमें हमने पांच गुलाब बनाए हैं पट्टी का वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा तो देखिए इसमें हमने ये रेड कलर का गुलाब लगाया है और इसमें दो पत्ती और दो पब बनाए हैं येलो कलर से यहाँ पे देखिए पट्टी के किनारे से इसको लगाना है ये देखिए उससे बड़ी साइज है येलो कलर का गुलाब है इसमें हमने देखिए चार पत्ती बनाए हैं और पप तीन पप बनाए हैं तो इसको हम बढ़ाते हुए लगा रहे हैं ये देखिए वाइट कलर का गुलाब है और इसमें देखिए छह पत्ती है और इसमें चार पप बने हैं ये देखिए येलो गुलाब है और इसमें आठ पत्ती है और देखिए हमने पांच पप बनाए हैं ये देखिए सबसे बड़ी साइज है इसमें हमने छह पप बनाए हैं इसमें दस पत्ती है और ये देखिए रेड कलर का गुलाब है ये बीच में रहेगा ये सबसे बड़ी साइज है ये देखिए हमने पट्टी के पप में बराबर लगा लेना है बीच में हमें एक एक पप छोड़ के यहाँ पे रख लेना है अब इसके बाद देखिए हम फिर घटाते हुए लगाएंगे इसको तो देखिए ये एक पार्ट बनके तैयार हो गया है इसी तरह का हम दूसरा पार्ट आगे बना लेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में हमें नोट लगा लेना है एक पप छोड़ के फिर आगे देखिए दूसरे पप पे हमें नोट लगा लेना है बीच में एक एक पप छोड़ देना है तो देखिए हमने बीच में एक एक पप छोड़ के दूसरे वाले पप पे यहाँ पे नोट लगाया है हर पट्टी के डिजाइन में आप देख सकते हैं ये देखिए तोड़न मारा बन के कम्प्लीट हो गया है और देखने में बहुत ही सुंदर है वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट में बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगा फिर मिलती हूँ नए डिज़ाइन के साथ थैंक यू